बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में प्रवेश करता हूं, जन्मों के अंत के जन्मों के अंत में भी। बहुत जन्म हुए, 84 84 जन्मों का अंत हुआ, जिसे कहेंगे सन 36। जब 60 साल एज हुई थी प्रजापिता की, और उसका भी अंत कहेंगे सन 76 में, जब 100 साल एज हो गई। 100 साल एज हुई पूरी तो 84 जन्म पूरा हुआ 76 में, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म शुरू हुआ जिसे 21 जन्मों में से पहला जन्म कहें। इसलिए बोला बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूं। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में, जन्म के भी अंत। हाँ हाँ, बहुत जन्मों के अंत के जन्म, तो वो जन्म है ब्रह्मा के रूप में, प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में, जो 100 साल पूरा होता है। बाद में दूसरा वानप्रस्थ अवस्था में गुरु करते हैं, वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु करते हैं। क्या करते हैं? गुरु वानप्रस्थ अवस्था में गुरु करते हैं। 60 वर्ष के बाद इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया तो बाप टीचर गुरु बन गए। 76 के लिए लागू होता है। 100 साल पूरे होने चाहिए ना, 60 वर्ष के बाद। हाँ हाँ, बेहद के 60 वर्ष, दोबारा जन्म जो होता है वो 60 साल बराबर 6 वर्ष का हो जाता है, 69 से लेकर के 75 तक। इसलिए बोला, और शंकर को हमेशा दाढ़ी नहीं दिखाई जाती, कभी दाढ़ी मूछ वाला भी दिखाया है, कभी क्लीन शेप भी दिखाया है। दाढ़ी मूछ है भिखारी पुरुषार्थी जीवन की निशानी, और क्लीन शेप है संपूर्ण ब्राह्मण जीवन की निशानी। संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है। और शिरडी के साईं बाबा एक ऐसे संत थे जिन्हें साईं राम साईं राम, साईं बोले भंडारी, शिव बोले भंडारी, भक्त ऐसे कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? भक्ति मार्ग में तो गुरु लोग शिवो हम कह के बैठ ही जाते हैं। साईं का अर्थ होता है स्वामी, साईं राम माने स्वामी राम, सारे जगत का स्वामी है। भक्ति मार्ग में ऐसे अपने को मान बैठते हैं तो भक्त लोग भी समझ लेते हैं कि हाँ यही शिव बाबा का असली रूप है,
लेकिन शिव बाबा तो कलयुग के अंत में आते हैं, जब 5-4 वर्ष पूरा होता है थोड़ा टाइम बचता है। हाँ, हाँ राम फेल हुआ, पहले फेल हुआ, मध्य में फेल हुआ या अंत में फेल हुआ? पहले फेल हुआ। और फेल सब होते हैं कि कोई ऐसी आत्मा भी है जो माया की चक्करी में फेल नहीं होती है? फेल तो सब होते हैं। तो जो पहले फेल हो गया वो फायदे में है, या जो बाद में फेल होंगे वो फायदे में? जो पहले फेल हुआ ज्यादा अनुभवी बन गया तो फायदे में आ गया। और भारत को अंग्रेजी में इंडिया, हिंदी में हिंदुस्तान, हिंदी में हिंदुस्तान या उर्दू में हिंदुस्तान? उर्दू में हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदी में तो भारत नाम ही है, और मराठी में भी भारत कहते हैं। दूसरे कोई देश को क्यों नहीं कहा जाता, क्या नहीं कहा जाता? इंडिया है? दूसरे देश को दूसरा नाम होगा? एक देश का एक ही नाम होगा कि दो देशों के एक ही नाम हो जाएंगे? अंग्रेजी में इंडिया नाम ऐसे कहते हैं कि जब अंग्रेज वो लोग आते हैं ड्रामा के अंत में, और आकर के संसार में बड़ा फैलाव कर देते हैं, तो इंडिया से अंत होता है। इंड माने अंत, इसलिए यादगार इंडिया गेट बना हुआ है। संगम युग की ही यादगार है। संगम युग में जब भारत माता प्रत्यक्ष होती है, जो अव्यक्त वाणी में कहा है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, तो अंत हो जाता है। पुरुषार्थ का भी अंत होता है, स्थापना का अंत होता है, और पालना शुरू होती है। तो भारत माता का आना, प्रत्यक्ष होना माना इंड आ जाना। तो नाम दे दिया इंड आ। अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। क्यों? ये क्रिश्चियंस की राशि किससे मिलाई जाती है? क्राइस्ट की राशि, क्रिश्चियंस की राशि कृष्ण से मिलाई जाती है। संगम युग में कृष्ण की आत्मा जब पूरी मोल्ड हो जाएगी, तो मोल्ड होने से परिवर्तन हो जाता है।
रुद्रमाला की ओर आकर्षित हो जाएगी। इंद आ जाता है, मुसलमानों ने नाम रख दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान। हिंदू नाम है, दो शब्दों से बना हुआ है, हिंसा से बनता है हिंदू, हिंग, और दू माना दूर करना। तो मुसलमान जब आए तो भारत के हिंदुओं ने समझा हमने उनको भगा दिया, मुसलमानों को दूर कर दिया, तो हमने हिंसा दूर कर दी। लेकिन खुद प्रभावित हो गए ये नहीं पता चला। दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, कर्मेंद्रियों से प्रभावित हो गए तो अपन को हिंदू कहने लगे। देवताएं नहीं कह सके, क्योंकि देवताएं तो अव्यभिचारी होते हैं, और द्वापर युग से जब से ये मुसलमान इस्लामी आए तो दुनिया में व्यभिचार फैल गया। उन व्यभिचारियों को दूर भगाया, दूर तो भगाया परंतु खुद प्रभावित हो गए। तो समझते हैं कि हम हिंदू हैं और दूसरे दूसरे कास्ट हैं, हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। लेकिन वास्तव में हिंसा तो दूर शिव बाबा करते हैं आकर। जो डबल हिंसा दूर करते हैं, व्यभिचार की हिंसा भी दूर कर देते हैं और स्थूल हिंसा भी दूर कर देते हैं। और बाबा ने मुरलियों में फर्रुखाबाद और कंपिल का नाम क्यों लिया? कंपिल का ब्रह्मा के द्वारा बोली हुई मुरलियों में नाम नहीं लिया गया है, कपिल मुनि का नाम लिया है, कपिल देव का नाम लिया है। कपिल का अर्थ है, मुरली में बताया है, जोड़ी। कहते हैं राजा द्रौपदी के राज्य में जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ कुंड से जोड़ी निकली, दृष्टद्युम्न और द्रौपदी। ये जोड़ी का खेल है, स्थूल यज्ञ कुंड से कोई नहीं निकलते, ये तो ज्ञान यज्ञ कुंड की बात है। इसलिए कपिल का, कपिल मुनि का सांख्य योग प्रसिद्ध है।
और फर्रुखाबाद का तो नाम मुरलियों में लिया है। एक बार दो बार नहीं, कई बार लिया है। जिन वाक्यों में फर्रुखाबाद अल्फाज आया है उन वाक्यों को गहराई से देखने से पता चलता है कि फर्रुखाबाद में मालिक की पैदाइश होती है, जो विश्व का मालिक बनता है। स्थूल जन्म की बात है, अलौकिक जन्म की बात नहीं है। इसलिए इशारे के तौर पर बता दिया कि फर्रुखाबाद मगध देश का एक ऐसा स्थान है जहां गंगा हरिद्वार से आकर के पहली बार प्रदूषित होती है। कानपुर आदि इलाहाबाद वाराणसी शहर तो बाद में आते हैं। जो भी शब्द हैं वो अर्थ को बताने वाले हैं। फर्रुखाबाद के लोग जब अंत में पक्का समझ जाते हैं कि भगवान का जन्म हमारी एरिया में होता है, तो उनकी बुद्धि में स्वाभिमान जाग जाता है। जैसे इलाहाबाद के लोगों में स्वाभिमान जा गया नेहरू के लिए, तो नेहरू जी जब भी चुनाव लड़ते थे तो कहां से लड़ते थे, कहां से जीतते थे? इलाहाबाद से जीते थे। ऐसे ही तीन शब्दों से मिलकर बनता है फर्रुखाबाद। फर अर्थात फर से, जल्दी से, खा माने खा लिया, बाद माने बाद में। जिसने सारे संसार को बाद में जल्दी से खा लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, उस कस्बे का नाम पड़ गया फर्रुखाबाद। शिव बाबा, माता पिता, बाप दादा, रूहानी बाप, और रूहानी बच्चे कौन है? शिव बाप है, आत्माओं का बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप। उनकी आत्मा का ही रूप है बिंदी है, और उसी आत्मा का नाम पड़ता है शिव।
दुनिया में और कोई आत्मा नहीं है जिसका नाम शिव हो। सब आत्माओं के शरीरों पर नाम पड़ता है। और शिव का नाम आत्मा के ऊपर पड़ता है। तो शिव बाप है आत्मा, शिव बाबा आत्मा और शरीर। किसी का शरीर है, ऐसा शरीर है जो सृष्टि के आदिकाल में सबसे पहले अस्तित्व में है, अनादि है और अनंत काल तक है, मिटता नहीं है, एक ही शरीर है। जो आदि और अंत दोनों में मौजूद रहता है, आत्मा के साथ। उस आत्मा के शरीर में शिव ज्योति बिंदु बाप प्रवेश करते हैं, तब कहा जाता है शिव बाबा। माना साकार शरीर और निराकार आत्मा दोनों के मेल का नाम शिव बाबा है। और माता पिता क्या किसे कहा जाता है? जगत पिता और जगदम्बा, इनको माता पिता कहा जाता है। मुरलियों में भी आता है माता पिता का, बाप दादा का। माना बाप दादा अलग हैं और माता पिता अलग हैं। माता का चोला माता का होना चाहिए और पिता का चोला पुरुष का होना चाहिए, तो दोनों अलग अलग हैं। फिर बाप दादा, बाप की सोल अलग है, दादा की सोल अलग है। सोल अलग अलग होते हुए भी शरीर एक है। तो बाप है मनुष्य सृष्टि का बाप, और दादा दो है उस बाप का पहला बच्चा है जो सृष्टि के आदि में पहला पत्ता बनता है, बच्चा बुद्धि है। 500 करोड़ 700 करोड़ आत्माओं के बीच में उसे संबंध के बतौर दादा कहा जाए। कहते हैं ना दादागिरी ज्यादा दिखाते हो, तो दादा है। वो ब्रह्मा वाली सोल कहो, कृष्ण वाली सोल कहो, शरीर छोड़ने के बाद जब राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है तो बाप दादा कहा जाता है। बाकी जो शरीर धारण करने वाले हैं, शारीरिक जन्म लेते हैं, आत्मा तो है ही है, वो 500 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। जो रुद्रमाला के आत्मा रूपी बच्चे हैं
उन में से चुनी हुई बीज रूप आत्माएं 108 हैं, जो राजा बनने वाली हैं, रूहानी स्टेज में टिकने वाली हैं, और जो सहज सहज टिकने वाली हैं। नंबर वार बाकी राजाएं हैं तो यथा राजा तथा प्रजा क्वालिटी के बच्चे भी होंगे, जो आत्मिक स्थिति में टिकने वाले होंगे वो है 4.5 लाख। तो उनको कहेंगे रूहानी बच्चे। उनके अलावा और जो आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, वो इसी पुरुषार्थी जीवन में रूहानी स्टेज पर नहीं टिक पाती, कुछ न कुछ देवान रह जाता है, इसलिए उनके जन्म कम हो जाते हैं। ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्माएं नहीं है। और बाबा जिज्ञासु जी के प्रश्न है कि ब्रह्मा बाबा माउंट आबू में आते हैं तो वो ये बता रहा अगर किसी बात में ऐसे क्यों नहीं बताते कि साकार में बाप का पार्ट कहाँ चल रहा। फिर परीक्षा ही क्या रह गई, यही तो परीक्षा है ज्ञानी की। ज्ञानी को क्या पहचानना है, अपनी आत्मा को पहचानना है और आत्मा के बाप को पहचानना है। अगर वो ही सब कुछ बता दे तो फिर नंबर वार कैसे बनेंगे। बाप आकर के अपनी पहचान भी देते हैं और माया की भी पहचान देते हैं और सूत्र भी बता देते हैं, फार्मूला बता देते हैं, जो फार्मूला लगा करके हर बच्चा अपने जन्मों को भी जान सकता है। अब जैसा जैसा पुरुषार्थ करने वाले होंगे वैसा वैसा जान पाएंगे। फार्मूला क्या होगा? फार्मूला माना फार्मूला गणित में एक फार्मूला होता है बीज गणित में, है वो फार्मूला लगाते हैं तो नई नई बातें निकल आती हैं। तो हर आत्मा के नए नए जन्मों की जानकारी हो जाती है। एक एक आत्मा के 84 जन्मों का नहीं बतावेंगे, लेकिन वो तौर तरीका बता देते हैं, जिसे हर आत्मा अपने 84 का या कम जन्मों को जान सकती है। जो जानने में तीखे जिज्ञासु रहते हैं वो ज्ञानी तू आत्माएं हैं, जिनके लिए कहा है ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। जो तीखे पुरुषार्थी नहीं है वो नहीं जान पाते। और मुरली ने बोला है पवित्र कन्या में बाप जाते नहीं, बाप आते नहीं पवित्र कन्या में। पवित्रता लेने आते पवित्र कन्या में बाप आते नहीं। हाँ और बीके वाले कहते हैं बाप दादा, बाप दादा आते हैं।
हाँ तो बोला है बाप आते नहीं, और पीके वाले बोलते हैं बाप दादा आते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि मुरली में बाप ने कहा है कि तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो हम बच्चों के बीच में ब्रह्मा बाबा की याद तीखी है या नहीं है? तीखी याद है बाप के रूप में। तीखी याद करने वाला ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जब आते हैं गुलजार दादी में तो तीखी याद करके आते हैं, इसलिए शिव उनके साथ है तो बाप दादा कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि उनमें प्रवेश है, क्योंकि वो तो सूक्ष्म वतनवासी है। सूक्ष्म वतनवासी पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं? पवित्र होते हैं, फरिश्ता होते हैं। उनमें शिव प्रवेश करेगा या अपवित्र में प्रवेश करेगा? तो शिव तो सूक्ष्म वतनवासी में प्रवेश ही नहीं करता। मुरली में ही बोल दिया है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में शिव बाप नहीं आते। तो गुलजार दादी में कौन आता है? ब्रह्मा की सोल आती है, क्योंकि वो सदैव याद में रहती है, स्पेशल याद रहती है, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाबा ने मुरली में कहा है कचहरी करना अच्छा है, ऐसा क्यों कहा है? इसका क्या अर्थ है? कचहरी का मतलब जो क्लास होता है, संगठन होता है, उस संगठन में ही अपनी अपनी गलतियां बता देना। अब सब में इतनी ताकत थोड़ी ही होती है कि अपनी कमजोरियों को बड़ी सभा में बता दें, दूसरों की नजर नीची हो जाएगी, दूसरे लोग हमें नीचे नजर से देखने लगेंगे। जो पावरफुल आत्माएं होंगी वो ही बता देंगी। नीची नजर से देखते हैं तो देखने दो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और ब्रह्मा बाबा बहुत टबू में आते हैं, बहुत ही शरण से बताते हैं कि बाबा इधर है साक्षात में है। बहुत टबू में ब्रह्मा बाबा आते हैं, है इशारे से बहुत बताते हैं, कि वो समझ कर भी नाथ मंत्र के रिश्ता करते हैं। परसों की शिवरात्रि की मुरली हम सुनने को गए थे श्री कृष्ण घर पर, तो बहुत ही शरण दिए बाबा ने, तो समझ को भी वो अंजान बनने की कोशिश करते हैं। समझ आपको इसलिए आती है कि आपने एडवांस कोर्स लिया है, उन्होंने तो एडवांस कोर्स नहीं लिया है। जैसे दुनिया वाले लोग हैं, जब तक बेसिक का कोर्स नहीं लेते हैं तब तक उनकी समझ में बेसिक का ज्ञान उतना अच्छी रीति नहीं बैठता है। ऐसे ही बीके वाले ब्राह्मण जब तक एडवांस कोर्स न लें तब तक उनकी बुद्धि में बाप की पहचान पूरी पूरी नहीं आती और न मुरलियों के गहरे अर्थ समझ सकते हैं। रुद्रमाला के मण के और विजयमाला के मण के किस आधार से बनते हैं? और क्या लिखा है? रुद्रमाला के मण के रुद्र के कनेक्शन से बनते हैं। रुद्र और शिव में क्या अंतर है? शिव बिंदु का नाम है, वो नाम कभी बदलता नहीं,
जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। तो रौद्र रूप धारण करने वाले में प्रवेश किया तो नाम रुद्र पड़ गया। कैसा रुद्र रूप? सारे संसार को खा जाता है। किसके द्वारा विनाश? शंकर द्वारा विनाश। तो शंकर का अपर नाम रुद्र है। रुद्र के द्वारा जो डायरेक्ट ज्ञान लेते हैं वो रुद्राक्ष के मणके कहे जाते हैं। और विजयमाला जिन्होंने पवित्रता आसानी से हासिल की है, अपवित्रता पर विजय पाई है, जन्म जन्मांतर विजय पाई है और संगम युग में भी अपवित्रता पर विजय पाई हुई है, पूर्व जन्म के ऐसे उनके संस्कार हैं कि पवित्रता अपवित्रता पर विजय पाने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं महसूस होती है, क्योंकि वो आत्माएं जन्म जन्मांतर की भारत की रानियां हैं जिन्होंने पवित्रता के लिए जौहर किए हैं, देवान को देह को आग में जला दिया, जरूरत पड़ी तो, लेकिन देह को अपवित्र नहीं होने दिया। तो वो मन के जो अपवित्रता पर सहज सहज विजय पाने वाले हैं उन्हें लंबे चौड़े ज्ञान की दरकार नहीं है, वो विजय वाला के मन के बनते हैं। और ये क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है? चूल पुरुष चूर्ण का मुखिया कौन? रुद्रमाला में दो प्रकार के मणके कौन? एक देशी एक विदेशी, एक विदेशियों के बीज रूप और एक देशी धर्म है, उन धर्मों के बीज रूप है। देशी धर्म है जाड़ में जाई और के सूर्यवंश है, चंद्रवंश है, बौद्ध है, सन्यासी है, सिख है, ये दाई ओर के धर्म है। पवित्रता को विशेष महत्व देने वाले हैं। ये रुद्रमाला के भारतीय मणकों के बीच है और इस्लामी क्रिश्चियंस मुस्लिम और बौद्धी नहीं, बौद्धी तो भारतीय हैं और जो रशियंस हैं वो सब विदेशी मणके हैं, विदेशियों के बीज हैं। इस तरह रुद्रमाला के दो रूप हैं। जो निमित्त बहने बाबा का दिया हुआ डायरेक्शन नहीं मानती
उस डायरेक्शन को एनएस में वेरीफाई करती है। कोई बहने हैं इंचार्ज हो या इंचार्ज न हो, छोटी मोटी सेवा की इंचार्ज हो, वो बाबा का दिया हुआ डायरेक्शन नहीं मानती और उसको डायरेक्शन को एनएस में वेरीफाई करती है कि बाबा ने जो डायरेक्शन दिया है वो राइट है या रंग है, तो उसको क्या कहेंगे, क्या शूटिंग होती है उसकी? वही शूटिंग होती है जो बाबा ने मुरली में बोला है, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। ब्रह्मा भी उतर आए तो ब्रह्मा की भी बात नहीं मानेगा। जो आत्मा खुद को इतनी श्रेष्ठ समझती है कि वो अष्टदेव में तीसरे स्थान पर आएगी, ऐसा समझती है, दूसरों को निष्कृष्ट समझती है। अगर उस आत्मा से कोई बात भी करते हैं तो वो कहती है कि बात करने वाला बहुत भाग्यशाली है। तो क्या ऐसा अशुद्ध अहंकार वाली आत्मा शिव बाबा की रचना हो सकती है? शिव बाबा की जो डायरेक्ट रचना होगी वो अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करेगी? अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करना मना शिवो हम कह के बैठ जाना, हम शिव बाबा का रूप है, शिव बाबा की अष्टमूर्ति रूप हम है, ऐसे को अपन को समझने वाले। मुरली में क्या बोला है उनका नाम है, जो अपन को शिव समझते हैं, हिरण्यकश्यप। अर्जुन के दिव्यास्त्र काम में नहीं आए, जिसके कारण पुत्रों का बलिदान हुआ, द्रौपदी का अपमान हुआ और अंत में पहाड़ियों में जाकर मर गए। मर नहीं गए हैं, गल मरे का अर्थ है अपने देवान को गलाई दिया। और देवान याद से गलाया जाता है कि ज्ञान के शस्त्रों से गलाया जाता है, याद से जलाया जाता है। इसलिए दिव्यास्त्र जो ज्ञान के हैं वो देवान को गलाने में काम नहीं आते हैं, बल्कि और ही देखा जाता है जिनमें ज्यादा ज्ञान होता है उनको अहंकार ज्यादा आ जाता है। तो फायदा किसमें है, याद में या ज्ञान में? याद में ज्यादा फायदा है। पांडवों ने एक एक करके पूरा जीवन दांव में लगा दिया तो अंत में प्राप्ति क्या हुई? पूरा जीवन इस एक जन्म का दांव पे लगा दिया कि सभी 84 जन्मों का दांव पे लगा दिया? एक जन्म का लगा दिया, उसके बदले में जन्म जन्मांतर की प्राप्ति कर लेते हैं। एक जन्म का देना और अनेक जन्म का
लेना हो जाता है तो बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई। लेकिन जो देह अभिमानी होते हैं वो इस देह के जन्म को ज्यादा महत्व देते हैं कि भविष्य के जन्मों को ज्यादा महत्व देते हैं? हैं? तो उस एक ही जन्म को ज्यादा महत्व देते हैं। तो उनकी सोच ये होती है कि प्राप्ति क्या हुई? अरे प्राप्ति इस देह से लेनी है या आत्मा की प्राप्ति करनी है? आत्मा की प्राप्ति का कनेक्शन 84 जन्मों से है और देह का प्राप्ति का कनेक्शन एक जन्म से है। है श्री जयंती अवसर शिव के साथ बच्चों की जयंती, शिव जयंती अर्थात शिव के साथ बच्चों की जयंती। हाँ, जयंती। तो आदि में तो दो बच्चे थे, ब्रह्मा और शंकर। हाँ, ब्रह्मा ब्रह्मा और शंकर। हाँ, आदि में दो ही थे, ब्रह्मा और प्रजा पिता। तीन बच्चे नहीं थे? मुरली में तो कहा है ब्रह्मा। मैं तीन बच्चों के साथ आता हूँ या अकेला आता हूँ? हैं? ब्रह्मा तो विष्णु होता है, बाकी रहा शंकर, तो दो हुए ना बच्चे। एक ब्रह्मा विष्णु नहीं होता है, पांचों ब्रह्मा क्या होते हैं? विष्णु बन जाते हैं। इसलिए विष्णु की चार भुजाएं दिखाई जाती हैं और एक चलाने वाला। तो पांच आत्माएं मिलकर के स्वभाव संस्कार से विष्णु का रूप धारण करती है। दो की बात नहीं है आज, आज, आज तो वो है सेवा के बाद। जो पहली पहली सेवा हुई है कृष्ण की आत्मा को परिचय मिलने से पहले, वो आठ मूर्तियां अलग हैं। उनमें तीनों मूर्तियां शिव की नहीं आती हैं, वो फर्स्ट मूर्ति आती है जिसे कहा जाता है देव देव महादेव। फर्स्ट मूर्ति से कौन सी रचना हुई? जो फर्स्ट मूर्ति से रचना हुई वो अष्ट मूर्तियां हैं। हाँ, बाकी बच्चे भक्त कहीं ले जाएंगे क्या? है? अभी जो बाकी बच्चे वो भक्त कहे जाएंगे? बाकी बच्चे भक्त क्यों कहे जाएंगे? राजा के बच्चे राजा होंगे या भक्त होंगे? यथा राजा तथा प्रजा। बाबा ने कहा है जो श्रीमत पर चले, मनुष्य मत पर या मनोमत पर न चले, वो धर्मराज की सजाओं से बचेंगे। लेकिन बहुत सारी बातें तो एनएस द्वारा अर्थात देहधारियों के द्वारा आती हैं, जिनको वेरीफाई करने से पता चलता है कि श्रीमत नहीं थी, तो वो आत्माएं सजाओं से कैसे मुक्त होंगी? इसीलिए तो बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसे, हाँ, बाबा की बात से, बाबा की वाणी से वेरीफाई करना है कि वो राइट है या रंग है। श्रीमत एक की है या बहुतों की है? श्रीमत तो एक ही है, बाकी बहुतों से जो मत आती है उसमें अंतर हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। अगर संशय आता है कि श्रीमत में मनमत मिक्स की गई है तो वेरीफाई करने के लिए बाबा बैठा हुआ है, मुरली भी है,
मुरली से भी वेरीफाई कर सकते हैं। विराट रूप में अदिति के 12 पुत्र, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुद्गण दिखाए हैं। विराट रूप में इतने चेहरे दिखाए हैं क्या कि शास्त्रों में लिखे हुए हैं? लिखे हुए हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, और मरुद्गण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धगण और नाग देवता, ये कौन है? 7 महर्षिजन और 4 उनसे भी पूर्व होने वाले सनक आदि, स्वयंभू आदि, 14 मनु, ये संपूर्ण प्रजा जो मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए, इसका मतलब क्या है? शास्त्रों की सारी बातें उठानी है या शास्त्रों की जितनी बातें मुरली में बोली गई है वो ही उठानी है? शास्त्रों में सार है या सार के साथ भूसा भी भरा हुआ है? भूसा भी भरा हुआ है। इसलिए ऐसे नहीं कि टीवी में जो कुछ देखते हैं वो सब सच्चा साबित होने वाला है। हाँ, जितना बाबा इशारा देते हैं उस पर मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। बाबा के पास जो समाचार जाते हैं केवल एक तरफ से सुनकर के कई बार निर्णय लिए जाते हैं, चाहे वो असत्य ही क्यों न हो। और जो चुप रहते हैं, जिनको अपनी बात कहने का रास्ता तुरंत नहीं मिलता, जिसके लिए बाबा कहते हैं जो पहला रिपोर्ट देता है उसकी बात मानी जाती है, ऐसा बाबा कहते हैं क्या? है, ये तो दुनिया में होता है कि जो पहले पहले पुलिस में जाके रिपोर्ट कर देगा तो उसको विशेष महत्व देते हैं, पीछे वाले को उतना महत्व नहीं देते हैं। तो जो पहली रिपोर्ट देता है उसकी बात मानी जाती है। क्या वो समाचार, चाहे वो समाचार असत्य भी हो तो भी मानी जाएगी। निर्णय लिया तो जाता है, फिर सत्य असत्य का निर्णय कब होगा? परिणाम का उत्तरदायी कौन होगा? धर्मराज को भूल गए। आखिरी सत्य कहां से निकलेगा? है, फाइनल पेपर हुआ है या नहीं हुआ है? अभी तो नहीं हुआ है। फाइनल पेपर में साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ब्रह्मा की मत मशहूर है, उसकी मत सुहावरी उसकी मत मशहूर होना चाहिए, और बस उनके औलाद की भी मत मशहूर हो, उनके औलाद की भी मत मशहूर होना चाहिए। ब्रह्मा बच्चे इनके मशहूर होना औलाद नहीं, इनका मत मशहूर होना चाहिए। ब्रह्मा की मत और बच्चों की मत भी, उनके औलाद की भी मत मशहूर होना चाहिए। ब्रह्मा में भी पहला ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा,
तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे पहले पहले कितने? आठ। तो अष्टदेव हैं, जो अष्टमूर्ति कही जाती है शिव की। तो शिव की अर्थमूर्ति जो वाक्य उच्चारण करेगी वो संपन्न होंगे या असंपन्न वाक्य होंगे? है संपन्न होंगे, लेकिन तब संपन्न होंगे जब रिजल्ट निकल जावे। शिव और शंकर दो आत्माएं हैं, दोनों में मतभेद कब खत्म होगा? जब संपन्न स्टेज बनेगी शंकर की, तब मतभेद खत्म होगा या पहले से ही हो जाएगा? है संपन्न होने के बाद हो जाएगा। तब तक तो ब्रह्मा की आत्मा भी इंटरफियर करती रहती है। तो जब तक ब्रह्मा की आत्मा इंटरफियर करती है तब तक असंपन्नता है। इसलिए बताया गया है कि शिव की सवारी शंकर पर होती है और शंकर की सवारी बैल पर होती है। पुरुषार्थी जीवन है तो बैल शंकर पर सवार है या शंकर बैल पर सवार है? शंकर बैल पर सवार है, शंकर पर बैल सवार है। जब हाई जंप लगाए तो बैल पर सवारी हो। शिव और शंकर एक हो जाएं, तब कहा जाएगा शंकर की मत। लेकिन वो शंकर की शिव मत ही हो गई, क्योंकि शिव और शंकर दोनों मिलकर एक हो गए, इसलिए शंकर मत नहीं गाई जाती है। कौन सी मत गाई जाती है? शिव की मत गाई जाती है। और आज की वाणी थोड़ी नहीं जा सकी, आज आरोग्य वाणी पढ़ना बाबा को तकलीफ हुआ दिखाई दे रहा था। वास्तव में ब्रह्मा ने इतर देव किया या क्या कहेंगे? अष्टमूर्तियों में दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा आती है या नहीं आती है? अष्टमूर्तियों में है? नहीं आती तो गुस्सा नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? है हा? और अष्टमूर्ति संपन्न होने के बाद ही ब्रह्मा की स्वर संपन्न होते ना? हाँ जी, अष्टमूर्तियां असल सूर्यवंशी मूर्तियां हैं, हीरे हैं, हीरे। और बाबा भगवान आकर भगवान भगवती बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कह सकते हैं? हाँ, संगमयुगी लक्ष्मी नारायण को, सतयुग के जो आठ लक्ष्मी नारायण है उनको भगवान भगवती नहीं कहेंगे, वो देवी देवताएं हैं, सोलह कला संपूर्ण, लेकिन चढ़ती कला के नहीं है। कैसे कला के हैं? उतरती कला के देवी देवताएं।
तो उनको भगवान भगवती नहीं कहेंगे,